जेपी नड्डा का दो दिवसीय यूपी दौरा, पंचायत सम्मेलन को जेपी नड्डा ने क्या संबोधित। बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,628 नए मामले आए सामने, वहीं 617 मरीजों की हुई मौत। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में मचा गम। रायबरेली में ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा पीएम आवास योजना, पीएमए का लाभ नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में है रोष। मैनपुरी में पत्रकारों का 40 घंटे तक चला धरना प्रदर्शन, पत्रकारों की मांगों को माना। दर्जनों गाड़ियों का काफिला निकाला गया था, साथ ही कई गाड़ियों पर बिना अनुमति के हूटर भी बजाया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस द्वारा कोतवाली नगर में 7 नामजद 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। प्रदर्शन में जिन्होंने लगभग 7 लोग नाम लिया, बाकी 25-30 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली नगर में FIR पंजीकृत के विधिक कार्रवाई। सर, ये हूटर बजाने का क्या मकसद था इनका? सबका हूटर बजाने इन्होंने और लोगों को अपनी आकर्षित करने का प्रयास। रायबरेली में योगी सरकार भले ही सन 2022 तक हर गरीबों को पक्की छत देने का संकल्प ली हो, लेकिन अगर बात रायबरेली जनपद की जाए तो ब्लॉकों में जिम्मेदारों की भ्रष्ट कार्यशैली से पात्रों तक पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे आगामी विधानसभा के चुनाव तक हर पात्रों को पक्की छत देने के वादों पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली जनपद के सलोन ब्लॉक में मौके की हकीकत देखने पर कई ग्रामीणों ने बताया है कि बरसात में सर ढकने के लिए छत तक नहीं है। ये घर गिरे हैं, देखो एक तरह छप्पर के नीचे रह रहे हैं। हाँ, किया है मांग, वहाँ से कह रहे हैं कि पक्का घर, मकान इनका पक्का है, वो कहें कि हमारे विरोधी हैं, इनका नहीं दिया जाए। वो अरे पिछले साल आए गए रही तो कहे नहीं, इतने समय तो गिर जे हमें समस्या है कि हमारे घर गिर गया, 2 साल हो गया घर गिरा है, जितनी शायद ऐसे गल्ला पानी कोठी रही है, वह मिट्टी के ऊपर फूट गए सारा हमारा धान, अब सब बिथरा गया, बर्तन वर्तन सब फूट गया। सब प्रधान लगा शिकायत कर लो, प्रधान और सुनते हैं जी का नाम ब्रजेश है, बहुत सारा शिकायत किया, बहुत दही एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन दिया तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो बोल रहे हैं तुम्हारा घर पक्का है, फोन कर रहे हैं बोल रहे हैं तुम्हारा घर पक्का, हम लोग कहते सर हमारे यहाँ चेक कर लियो है कोई चेक। वहीं फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, गांव में घुसे पानी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं गांव में घुसे पानी में बच्चे नहाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो हर साल की स्थिति होती है, मौके पर पहुंची राजस्व की टीम नुकसान का आकलन लगातार कर रही है। जहां पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इससे क्षेत्र में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। बता दें कि नदी का पानी बढ़ने से अब ये पानी गांव में भी जा रहा है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर राजस्व की टीम पहुंची और वो लगातार नुकसान का आकलन भी कर रही है। वहीं मैनपुरी में लगभग 40 घंटे से अनिश्चितकालीन पत्रकारों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों की मांगों को माना, जिसके बाद पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। पत्रकारों ने पीड़ित पत्रकार की सुरक्षा की मांग की, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित पत्रकार को सुरक्षा कर्मियों को उनकी सुरक्षा के लिए 2 महीने के लिए तैनात कर दिया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। पत्रकारों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक से मांग की थी। तो मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जो एक समस्या थी पिछले कुछ समय से चल रही थी, उन्होंने जाना पेश किया और उस पर हमने आज कार्रवाई भी की है। इसमें एक हमारे मीडिया बंधु के साथ मारपीट की थी, उसमें
कार्रवाई की गई है और कुछ लोग इसमें कोर्ट में हैं। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है उसको हम पर्याप्त सुरक्षा देंगे। मीडिया का हम लोग हमेशा ही सम्मान करते हैं। चौथा समय हम लोग के लिए आँख और कान है। तमाम चीज़ें जो हम लोग के पास सामान्य रूप से नहीं पहुँच पाती हैं, चाहे जो भी रिकॉर्ड वो आपके माध्यम से पहुँचती है, हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व की तरह से आगे भी आप सहयोग करेंगे और सम्मिलित होकर अपराध अपराधी सभी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो। आपको बता दें कि मैनपुरी में लगातार पत्रकार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों की मांगों को मान लिया, जिसके बाद पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। वहीं पत्रकारों ने पीड़ित पत्रकार की सुरक्षा की मांग की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित पत्रकारों को दो सुरक्षा कर्मियों को उनकी सुरक्षा के लिए 2 महीने के लिए तैनात कर दिया है। वहीं अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। वहीं आगरा में चोरों के हौसले बुलंद है। आगरा के पीनाहट कस्बा क्षेत्र में मोबाइल की दुकान की ऊपर की छत तोड़कर लाखों के मोबाइल अज्ञात चोरों ने चुरा लिए। वहीं छत काटकर दुकान के अंदर घुसे अज्ञात चोरों ने 35 मोबाइल चोरी कर लिए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मोबाइल दुकान के मालिक द्वारा पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार घटना की जानकारी ले रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस लगातार छानबीन में भी जुटी हुई है। तो आगरा से खबर बता रहे, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रही है। मामला पीनाहट कस्बा क्षेत्र का है, जहां पर एक मोबाइल की दुकान से चोरों ने अपना हाथ साफ किया। बता दें कि करीब 35 मोबाइलों को चोरों ने चुरा लिया। वहीं पुलिस इस मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार सिपाही को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने सिपाही को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। शुक्ला नाम है, कांस्टेबल का, 50 साल उम्र है, फुर्सतगंज का रहने वाला है, थाना भी फुर्सतगंज लगता है। हमें नीलम तिवारी नाम की मिला लेकर आई है। इनका एक्सीडेंट हुआ है, वो बता नहीं पा रहा है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या नाम उनका, पूरा नहीं काम कर रहा है, इनको भर्ती कर दिया गया है प्राथमिक उपचार कर। तो रायबरेली से खबर आता है, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने सिपाही को आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र से बीजेपी नेता का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रिश्वत देने की बात कही है। उन्होंने पीड़ित से बात करते हुए कहा है कि 10,000 सीओ और 5,000 इंस्पेक्टर वहीं 2,000 सिपाही को दे दिए जाए। वहीं केस से नाम हटवाने को भाजपा नेता ने 17,000 देने की बात कही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। हेलो हेलो, हाँ राम राम। राम 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 राम। क्या हुआ? अरे देख लो साहब, तुम देख तो रहे हो मतलब घर के बाहर करी। नहीं तो 10,000 रुपए सीओ साहब मांग रहे हैं, 5,000 रुपए इंस्पेक्टर साहब, 2 पुलिस भाई मामा जो विवेचना कर रहे हैं बाकी। तो मतलब 15-20,000 रुपए, मतलब 1,000 5,000 बिजने दे होंगे तो 15-16 रुपए हो तो मतलब जैसे जन्म खर्चा बैठे होंगे। मतलब जी 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 देख लो आप पहले देख लो साहब, तो टाइगर देख मतलब भाई साहब से बात करनी, मतलब जैसा मतलब बेगानी तरीके का देख लो। 10 में साहब है
सजा दे के लोग वहाँ पे करने तो दही पर सजा देगा लॉकडाउन छोटे मतलब मामले में मतलब 10,000 रुपये लेते हुए अब 10,000 रुपया सीओ साहब के है इंस्पेक्टर साहब का दे और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता जुड़ चुके हैं। तो ममता आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ताजगंज थाना क्षेत्र से बीजेपी नेता का जुआरा हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह योगी जी ये जो नारा लगाया है उनके नारे को उनके ही कार्यकर्ता साफ नजर आ रहे हैं, जिससे ऑडियो साफ तरह से बीजेपी का जो नेता है जो अपने आप को मंडल अध्यक्ष बताते हैं आगरा से, तो उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर से 17,000 रुपए एक पीस से मांग कर रहे हैं कि 17,000 रुपए, और उसके बाद में वो 17 पीस से मांग करें और उसका बराबर बंटवारा भी बता रहे हैं कि सीओ साहब को 17,000 लेंगे और 5,000 लेंगे और 2,000 सिपाही, कि जिस तरह से ये लोग पलीता लगा रहे हैं। तो योगी जी का जहाँ जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो उत्तर प्रदेश, उसको खुद योगी जी के जो कार्यकर्ता है वही पलीता लगा रहे हैं। जी, जिस तरह से एक तरफ सरकार कहती है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी नेता का इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, ऑडियो में बिल्कुल साफ तौर से दिखाया गया है कि जिस तरह वो 17,000 रुपए की भीड़ से मांग कर रहे हैं कि किस तरह से उसका जो बंदरवाड़ है उसका बताया था और पुलिस के ऊपर ये आरोप, पुलिस के नाम से वो पैसे की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार के घर में ही वो चोट आते हैं। जिस तरह की वो उस जो उनका जो सपना है कि जो उत्तर प्रदेश हो भ्रष्टाचार मुक्त हो उसको पलीता लगाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं ऑडियो में। जी ममता, क्या कुछ इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जांच की बात बताते हुए जांच कराने की बात कही है कि जिस तरह की जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच करी जाएगी और जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। जी ममता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर ये आगरा के थाना ताजगंज से है जहाँ पर बीजेपी नेता का एक ऑडियो वायरल हुआ है और इसमें आपको बता दें कि रिश्वत देने की बात कही गई है। उन्होंने पीड़ित से बात करते हुए कहा है कि 10,000 सीओ और 5,000 इंस्पेक्टर तो वहीं 2,000 सिपाही को दिए जाए, वहीं इस केस से नाम हटवाने को भाजपा नेता ने 17,000 रुपए भी देने की बात कही है। वहीं लखीमपुर खीरी के नीम गांव थाना क्षेत्र में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के गांव अमेठी से करीब 10 दिन पहले एक महिला लापता हुई थी,
जिसके बाद मायके पक्ष के परिजन ने पुलिस को अपने रिश्तेदारों के खिलाफ विवाहिता को गायब कराने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। इस पर नीमगांव पुलिस ने कोई कार्रवाई न कर लापता महिला के ससुराल पक्ष से मिलकर उनकी तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की है। वही नीमगांव पुलिस ने महिला के पति को 5 दिन से थाने पर पूछताछ कर रही है, फिर भी अभी तक इस मामले में खाली दिखाई रहा है। घटना ये हुई कि हमें दूसरों लोगों ने बताया कि आपकी आपके बहन भाइयों या आपके घर पर हैं, हम कहे नहीं, तो कहे ना हमें लगता है कि आपकी बहन और भाई है नहीं घर। हम दूसरे दिन गए सुबह वहाँ, तो वो लोग हम लोग इधर उधर खेत में देखने लगे, उनके भाइयों से पूछा कि कहाँ है, तो कहे भैया चले गए हैं, वो लोग हमें बता करके नहीं गए। हमारी बहन का नहीं पता चल रहा है अब भी आज तक, और कम से कम 10-12 चक्कर हम थाने के लगा। यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। यूपी के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तटीय गांवों में लोग पलायन करने मजबूर हो गए। सामने जान माल का संकट खड़ा हो गया। प्रशासन निर्देश पर प्रशासन लगातार गांवों में बाढ़ से बिगड़े हालात को सुधारने में लगे हुए हैं। एक्शन टीमें भी तैनात की गई है, लेकिन जिस तरह से बारिश के चलते नदियां उफान पर है, उससे हाल फिलहाल तटीय गांवों की स्थिति बिगड़ी नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई राज्यों में नदियों का जल स्तर बढ़ने से नदियों में पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद जलाओं से होकर गुजरने वाली नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कई राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं डैमों में जमा पानी छोड़ने के बाद कई जिलों में नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना और बेतवा नदी का जल स्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। फिलहाल बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाकर प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। वहीं लोगों को पानी से दूर रहने के दिशा निर्देश दिए गए, तो बाढ़ सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं 2019 जैसे हालात फिर से न देखने को मिल जाए। बाढ़ से गांवों को काफी नुकसान हो रहा है। बाढ़ की आशंका को लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए हर गांव में बाढ़ चौकियां बनाई गई, जिसमें प्रधान को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद जालौन में यमुना नदी की बाढ़ से लोगों के आशियाने बिखर गए। आपको बता दें कि बाढ़ से छोड़े गए पानी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि सिंध, पहुज, यमुना सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिसका रौद्र रूप चारों ओर दिखाई दे रहा है। जनपद जालौन में कई गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ गए। कालपी क्षेत्र के सिमरा शेखपुरा में लगभग आधा गाँव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों का जो भी सामान था सब पानी में डूब गया। चारों ओर दहशत का माहौल है, क्योंकि अभी तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा है। प्रशासन ने कहा कि ग्रामीणों को जल्द से जल्द सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भीषण बारिश होने का असर इस समय हमीरपुर में देखने को मिला है। यहां से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बेतवा नदी में बने बांधों से अचानक पानी छोड़ने के चलते एकाएक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई। यमुना नदी 104 मीटर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर और बेतवा 103 मीटर खतरे के निशान को छूने से महज 1 मीटर नीचे बह रही है, जिसकी वजह से यमुना नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों के किसानों की फसलें डूब गई, तो दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया। एकाएक नदियों में आए पानी से बूंद बूंद पानी के लिए तरसते परेशान बुंदेलखंड में एक बार फिर पानी आफत बनने की ओर बढ़ रहा है। आगरा जिले में चंबल नदी के रौद्र रूप से बाहर तहसील के 38 गांवों में हाहाकार मच गया। पिनाहट में चंबल खतरे के लाल निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। पानी में डूबे 14 गांवों से पलायन शुरू हो गया है। बाढ़ के पानी में मऊ की मड़िया गांव में झोपड़ियां बह गईं। 75 परिवारों के 300 से अधिक लोगों को प्रशासन ने गांव से निकाल कर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। बता दें जिस रफ्तार से नदियों का
का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे नदियों किनारे बसे गांवों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। सरकार के निर्देश पर लगातार प्रशासन जलमग्न गांवों का जायजा ले रहा है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही तत्काल राहत उपलब्ध कराने के इंतजाम किए गए। फिलहाल नदियों का जल स्तर बढ़ने के साथ ही ग्रामीणों के घर और खेत डूबे जा रहे हैं। अभी समस्या बाढ़ की बनी हुई है और ग्रामीणों के सामने जान और दो वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। डेस्क रिपोर्ट 20। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए।